मुझे एक बच्ची का रिजल्ट आया आपकी है, शक्ल से तो लग रहा है फेल आई है। और सीरियस में आपको सच्ची बता रही हूँ, थोड़ा आगे हो जाओ, सारी मेहंदी लगा लगा के ना थक गई हूँ। वो डांस की वजह हो रहा है, वैसे इतना खतरनाक डांस करने की जो सही चना वैसे ही बोलो ना जैसे। अब तुम जाओगी कैसे? ये आधी रात में कूद रहे हैं छत यहाँ पे भैया, बराबर वाले अंकल आ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो गए। और हमारा आज का ब्लॉग भी हमेशा की तरह स्टार्ट होता है, तो बस आप लोग साथ रहें, देखें, एंजॉय करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। अभी जो यहाँ पे टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है गाइज? मुझे पीछे मुड़ना पड़ेगा ना, मेरा दिल्ली जाएगा पीछे मुड़ने का, सर्दी लग रही है। क्या टाइम हो रहा है? 2:30 बजे पक्की बात है? 2:30 बजे ओके, 2:30 बजे कितने बज रहे? 1:30 बजे डेढ़ कितने होते हैं? 1:30 मैं एक ही बोलने वाली थी, लेकिन मुझे है ना, मुझे भी यही कंफ्यूजन है। इसी वजह से मैंने खुद टाइम भी देखा, मैंने तुम लोगों से पूछा, मैंने कहा मैं गलत बता दूंगी, मैंने कहा इनसे पूछ लेती, मुझे तो सही से पता नहीं है। खैर असर की अजानें हो रही हैं, अभी असर की बोल रही हूँ, सॉरी, जोहर की अजानें शुरू हो गई हैं यहाँ पे अभी स्टार्ट। और बाकी अभी स्कूल से आई हैं, वो अभी सोकर उठी है। और अब क्या होगा? खाने से पहले नमाज नहीं पढ़नी? पहले हम खाना खाएंगे फिर नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि अभी टाइम है ना। अच्छा चले ठीक है, तो बस पहले खाना नाश्ता की, पहले नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद जो है अभी यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। यहाँ पे लग गया खाना नाश्ता की बात है, तो खाने में आज मम्मा ने बनाया है, ये कबाब बनाए जो कि मैं इतने टाइम से मम्मा को बोल रही थी, मैं बहुत दिन चाह रहा था खाने का, फाइनली आपने बना लिया आज, थैंक यू। अच्छा पहले ही बोल गया मैंने, मोस्ट वेलकम, सलाम नहीं करा, अस्सलाम वालेकुम, तुम बातों में इतना देखा भूल जाती है। बाकी इन्होंने जो स्टार्ट कर दिया खाना, खाएं खाएं इंजॉय करें। इन्होंने तो सबसे पहले कुछ आया भी नहीं था, पहले ही अपनी प्लेट ना बना ली, बस अब जल्दी से खाना खाते हैं और उसके बाद फिर नमाज वगैरह पढ़ेंगे, फिर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा, जो है हम खाना वगैरह खा के तो फ्री हो गए। और आज जो है एक बच्ची का रिजल्ट आया है। और सामिया क्या आई हो वैसे? देखें आप, नहीं आप बताएं क्या आई है? आपकी शक्ल से तो लग रहा है फेल आई है। और सीरियस में आपको सच्ची बता रही हूँ, इस दफ़ा कोई अच्छा रिजल्ट नहीं लेकर आई है ये, बस सही आया है रिजल्ट, बस सही आया है। दिखाओ, तैयारी करवाई थी। अच्छा, जो इतनी ये बात अगर किसी ने मुझे बोली ना, मैं यहीं से बाहर गेट पे जाके खड़ा करूंगी और पीछे से लात मारूंगी। न्यू स्कूल में फर्स्ट टाइम में पेपर होगा तो ऐसे ही होगा ना, कि ना कोई रूल पता थे ना कुछ पता थे, इसलिए चलें लाइन देखते हैं क्या है। सेकंड वाले अंकल आए, उनकी आवाज आया ना पीछे, इग्नोर कर दीजिएगा, सही है। ये आया है इनका कुछ रिजल्ट, और सामी की परसेंटेज बनी है 63.8 ओके, और ग्रेड क्या बना है? बी ग्रेड बना है, सही है, नॉट बैड, क्योंकि अभी अभी एडमिशन हुआ है स्कूल में, तो उस हिसाब से तो काफ़ी सही रिजल्ट आया, वरना इतना अच्छे की उम्मीद थी नहीं, क्योंकि जाहिर न्यू स्कूल के रूल्स वगैरह नहीं पता होते हैं कि कैसे पेपर आएंगे, किस तरीके से रहेंगे तो लेंगे, तो इस वजह से। तो बात देखते हैं कि क्या क्या मार्क्स आए इनके। इंग्लिश में आए इनके 75 में से 35 अच्छे नहीं है, उसके अलावा ग्रामर में आए 75 में से 64 अच्छे हैं। आलू वाले अंकल आ गए, जाओ तुम आलू के पैसे लेके बैठी हुई ना, जल्दी आलू लेकर आओ। ये मैं इतनी देर से तक खड़ी हुई इंतजार कर रही थी कि आलू वाले अंकल आएंगे आलू लेने, इसे तो अब लेने जा रही है, जाओ लो जल्दी। क्या हुआ? चले गए, हम देख रहे थे ओके। तो फिर उर्दू में आए 75 में से 55 सही है, और 75 में से आए ग्रामर में 55 सही है। यार ये दोबारा आए शायद लोहे अच्छा साइंस, अच्छा इस्लामियत में भी अच्छे नंबर आए, 56 आए 75 में से, और साइंस में कितने बुरे आए? 39 साइंस छोड़ा, मैथ देखे नीचे, मैथ में दिखाओ 75 में से 26 सामी, जाओ जाओ डूबो किसी के अंदर, इसी के अंदर मुंह डालो अपना, डूब जाओ। चलो मैथ बहुत ही बुरी लगती है आपको पता है? सही है, नहीं मेरी फेवरेट है मैथ। बाकी सोशल स्टडीज में आए कितने आए इनके? 53 सही है, वो भी 75 में से सही है। चलो सबसे बुरे मैथ में, सबसे बुरे मैथ में, अब मैथ की ही अच्छी तैयारी करना सबसे ज्यादा, मैथ की अच्छी हो रही है तैयारी, क्योंकि हाँ मैंने 3 क्वेश्चन बैठ के किए स्कूल में। शाबाश, तो फाइनल में ज्यादा अच्छी तैयारी करना, इससे ज्यादा अच्छे नंबर्स लेकर आना, सही है। तो खैर बाकी अभी मेरी फ्रेंड आ रही है और उसको मेहंदी लगवानी है मुझे, इस वजह से तो मैं अभी उसका वेट कर रही हूँ, वो आ जाए, फिर उसके बाद जो है देखते हैं क्या होता है। अभी मुझे, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मुझे अपना मोबाइल चार्ज पे लगाना था यार,
तो जब मोबाइल चार्ज लगाते हैं मोबाइल चार्ज नहीं ओके तो लगाते हैं उसका वेट करते हैं जब तक। A few moments later. Yes, अभी जो मेरी फ्रेंड आई थी और मैंने उसके लगाई है मेहंदी, अभी तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसी लगी मेहंदी, दिखाओ पहले तो हाई कर दो। और मेहंदी लगाई है अभी मैंने अपनी फ्रेंड की, यार ये वाली ना सबसे बेस्ट लग रही है, इसमें मेरा दिल आ गया है, थोड़ा आगे हो जाओ बेचारी, मेहंदी लगा लगा के ना थक गई, उससे आगे भी नहीं हुआ है जाने, पता मैं भी थक गई हूँ वैसे मेहंदी लगा के, आगे आओ थोड़ा और आगे आओ, हाँ आप दिखाओ ओके, तो अच्छी लग रही है यार देखो कितने दिल से लगाई है ना, सिर्फ उनके साथ अच्छी लगती है जिनके मैं दिल से लगा रही हूँ मेहंदी, वैसे तो सबके ही अच्छी लगती है। खैर तो अभी फ्रेंड आई थी उसके मेहंदी वगैरह लगा रहे थे, अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 5 बजे है, तो बस यही सब चल रहा था आज। आज मैंने अभी अब तक अपना व्लॉग भी एडिट नहीं करा, मैंने हमेशा अपना व्लॉग जो पहले मैं एडिट करती हूँ लेकिन हमारी फ्रेंड आ गई थी तो इस वजह से, तो अभी जल्दी से एडिट करते हैं और जल्दी से फिर इंशाल्लाह अपलोड करते हैं। मेरी जो फ्रेंड आई हुई थी वो चली गई है और अब जो है यहाँ पे सबको भूख लगी है, अभी मम्मा जो रोटियाँ डाल ली हैं तो हम मिल लिए थे ना, हाँ मिल लिए थे, हाँ हाँ दोपहर के खाने में मिले थे, अब यहाँ रात के खाने की तैयारी हो रही है, बाकी मुझे जो है एग बॉयल करे, मतलब मम्मा ने एग बॉयल कर लिया है, अब इनको जो ना इनका जो छीलना है इनको, और बाकी क्या बनाया आज मम्मा ने, तो आज मम्मा ने बनाया अंडे आलू का सालन और मुझे बस सही लगता है, तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या है, मतलब अब जो है मैं इसको जल्दी जल्दी से छीलती हूँ और ये बहुत गर्म हो रहा है मुझे लग रहा है ना अम्मा, ठंडे पानी में करने पड़ेंगे, लेकिन गर्म गर्म में हाथ डालने में ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, ज़्यादा देर हाथ डाल नहीं सकते उसके अंदर, तो खैर अभी बस इसको भी छीलते हैं। और मैंने जो ना अभी एग के ऊपर से छिलका हटा लिया था और मेरा जो ना ऐसे बॉयलर खाने का दिल कर रहा था, जब से सर्दी आई है जब से खाए नहीं है तो खा लेते हैं कभी कभी जब दिल करते ना, आज दिल कर रहा था खाने का क्योंकि आज मैंने अंडे आलू का सालन बनाया था, यस तो इस वजह से मैंने कहा जैसे खा लेते हैं, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा अंडे ऐसे ही खा लेते हैं, तो वैसे ये खाने में टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और बाकी मम्मा पापा वहाँ पर खाना खा रहे हैं, मैं यहाँ पर ये खा रही हूँ और ऐसा लग रहा है डाइटिंग करने का सोच रही हूँ मैं यार, कि मैं डाइटिंग कर लूँ क्योंकि मेरी डबल चीन आ रही है, मैं मोटी हो रही हूँ तो डाइटिंग भी जल्दी करूँगी इंशाल्लाह। खाना वगैरह खा के फ्री होगा, यहाँ पे ये बच्चे भी आ गए मदरसे से और एक और लड़की आई है, क्या हुआ सुमैया, एवरीथिंग इज ओके, पाँव में क्यों दर्द हो रहा है, वो डांस की वजह हो रहा है, सुमैया ने इतना खतरनाक डांस करा है कि डांस करने के बाद बेचारी के पाँव में इतना दर्द हो रहा है कि उसके अभी तक हो रहा है दर्द, चला भी नहीं जा रहा बेचारी से, हाय देव ऐसे क्या जरूरत थी वैसे इतना खतरनाक डांस करने की जो इतना दर्द हो रहा है अभी तक पाँव में, करके दिखाएंगे आप हमारे सब्सक्राइबर्स को प्लीज करके दिखा दें यार, सब रिक्वेस्ट करेंगे, अभी इतना अच्छा एक डांस कर रहा था हाँ तुम लोग जब मदरसे गए थे ना जब कर रहा था बहुत अच्छा कर रहा था, खैर और बाकी ये न्यू चीजें लेके बैठी हुई अपनी, हाँ जब न्यू स्टेशनरी लेते हैं बंदे कितनी खुशी होती है, जाने वाली हूँ वाओ, फिर पता एक बात है जब न्यू स्टेशनरी लेते थे ना स्कूल में जब इतनी मुझे इतनी खुशी होती थी और मुझे ऐसा लगता था पूरी क्लास में सबसे अमीर बच्ची मैं, है ना सब चीज होती थी, बारों खोल खोल के देखती थी यार कितनी अच्छी लग रही है, मैं तो जा रही हूँ पूरा ऐसे रख दिया फिर उठाया इसे और हाँ। नहीं लेकिन मैं अपनी चीजों की केयर बहुत करती थी, अपनी चीजें गुम नहीं होने देती थी कभी भी, ये इन केयरलेस बच्चों की तरह तो बिल्कुल नहीं, अच्छा पेनों का ये होता है कि जो सेट हो जाए ना एक दफा हाँ, आते हैं बस फिर उसी से मजा आता है, चेंज कर नहीं कर सकते, मतलब यहाँ आप ये देखें जस्ट चेक करें, अकेले अकेले पार्टी हो रही है, पूछ के नहीं पूछ, मुझे थोड़ी सी खुशबू आ गई थी ना तो मैं आ गई यहाँ पे, सही है ओके, तो यहाँ पे अकेले अकेले पार्टी हो रही है, लाओ चलो सुमैया, हाँ सोनिया ने तो देखा था, मैंने और सोनिया ने ही देखा था, बस बहुत अच्छा, सुहाना को मशवरा भी दिया था कि मैं बीच में दुल्हन बन के आ रही हूँ तो सुमैया और सुहाना पहले ऐसे डांस करें, दिखाओ तो या वो ब्लॉग में नहीं दिखाएगी ना ऐसा डांस, नहीं तो हमें तो दिखाओ हम तो देख लें, चलो तुम लोग देखो, सामिया कल स्कूल जाया है तो मेरा पानी गिरवा दिया, मैंने कहा सामिया स्कूल नहीं जाएगी, ये सामी स्कूल किस खुशी में नहीं जा रही है, ठीकेगा किसकी बार आते कल, मेरा दिल नहीं चाह रहा तुम स्कूल नहीं जाओगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, खैर हमने तो मम्मा हमारी तो कभी छुट्टी नहीं करवाई, ऐसा आप तो रहने दे, सबसे ज्यादा आपकी छुट्टियां करवाई है, अभी आपके आपकी बचपन की कहानियां बता दूंगी ना तो फिर आप जो ना यहाँ पे रोना शुरू कर देंगे अभी बैठ के, अल्लाह आप सोने जा रही है, ये देखिए टाइम देखिए यहाँ पे क्या 10 भी नहीं बजे हमारे, 10 बज रहे हैं 15 मिनट और ये लड़की अभी तक अपने घर ही नहीं गई है, इसकी मम्मा पापा याद ही नहीं कर रहे, यही
अगर सुईया अगर अभी गिर जाती ना मेरा व्लॉग बड़ा अच्छा बन जाता आज का। चलो चलो, रात के 10 बज रहे हैं, कसम से ऐसा लग रहा है जैसे कोई 3-4 बज रहे हो, पर तो सुबह हो रही है अभी। हमारे घर में रात हो गई मम्मा पापा की वजह से, जल्दी सो जाते हैं इसलिए। चलो घर में भी तुम्हारे घर में भी रात हो रही होगी। चलो चलो, लेकिन हमारी तो रात ही 3 बजे होती है। हाँ देखा, एक इस भूत को पता चल लो, पर कोई आ रहा है फौरन से निकल कर आता है वहाँ से। चल आ जाओ यार, क्या हवा हो रही है ना मज सही। तो ये क्या हो गया, लूडो खेल रहा है? नहीं यार, लूडो वूडो खेलने का भी टाइम नहीं है हमारे पास, हमें बहुत सारे काम करने अभी। अच्छा है ना वेदर की, तो मजे की सर्दी हो रही है यू नो। मतलब बुरी नहीं लग रही सर्दी, ऐसी ठंड ना हमेशा रहनी चाहिए। सुकून हो रहा है ना, मजा आ रहा है। आप क्यों आ गए ऊपर, क्या खा रहे हैं आप? चना। वैसे ही बोलो ना जैसा अभी बोला था, चना चना। सही है यार, मजा आ रहा है ना गाइस। हवा क्या बोल रहे हो, कहाँ है कोयले? नीचे लेकर आओ, जलाते हैं। ना भाई, जा रही हूं मैं। कहाँ जा रही हो? अभी जाएंगे कैसी बता? अब तुम जाओगी कैसे? कूदूंगी, कूदेगी। हाँ इसका कूदना देखो, बस ये आधी रात में कूद रहे हैं छत यहाँ पे। जाओ कूदो। ओ चीज चीज गई, चीज का थैला गया, चीज का थैला गया। सुईया जाओ, अल्लाह हाफिज। चलो छोड़ के चलो सुईया, सुईया को मोबाइल याद आ गया यार। यार सुईया बराबर वाले अंकल आ जाएंगे छत से, ये जंगली है ना। जाओ बाय बाय, अल्लाह हाफिज। चली गई लाइट, ले गई, अंधेरा हो गया हमारे पास। मुझे ना बहुत अजीबोगरीब सी आवाज सुनाई आई है अभी, है ना? खामोशी से सुनो, बिल्कुल खामोश, साइलेंट। पार्क तो पूरा खाली है, तो पार्क में से कैसे आएगी आवाज? ऐसा लग रहा है कोई बच्चा बोल रहा है। मुझे लग रहा है छुट्टी में झांक, तुम तो हो नहीं जाते फट्टू। चलो यार चलते, नहीं बस चलो, बहुत सर्दी हो रही है, मजे वाली हो रही है। सोनिया को लाते ना और भी मजा आता। चलो सारे डर के भाग गए यार, क्या हवा, मजा आ गया। चल ऊपर ही रहो मरना, फजूल में तुम ही बैठी हुई हो, गया कोई भी नहीं होगा। और कोई क्या हुआ, हाथ में बर्फ जम गई, बर्फ जम गई ना हाथ की, कुल्फी जम गई हाथ में। सही है, सब अपना व्लॉग यही एंड करते हैं। आई होप कि आप सब लोग में इंजॉय करा होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर चलते हैं इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू द नेक्स्ट व्लॉग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।